Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, facial hair यानी चेहरे के ऊपर के बाल देखने में तो भद्दे लगते ही हैं, but इन्हें निकालना भी उतना ही मुश्किल भरा और मुसीबत भरा होता है. जी हाँ दोस्तों, दो ही ऑप्शन है, या तो पार्लर में जाकर के आप थ्रेडिंग करा लें, वैक्सिंग करा लें, या फिर लेज़र ट्रीटमेंट करा लें. पार्लर में जाकर अगर आप थ्रेडिंग वैक्सिंग कराते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद वो बाल दोबारा आ जाते हैं और वो और भी हार्ड आने लगते हैं. एंड अगर आप लेज़र कराते हैं तो वो भी एक तो बहुत महंगा होता है वो, और दूसरा 3-4 साल के बाद हेयर ग्रोथ दोबारा आ ही जाती है. तो आज मैं आपको एक ऐसी होममेड रेसिपी बता रही हूँ, एक ऐसी होममेड रेमेडी बता रही हूँ जो कि आपके अनवांटेड फेशियल हेयर, चाहे वो अपर लिप्स के हों या चिन के हों, उनको दूर करेगी. एंड इसे आपने कुछ दिन लगातार यूज़ करना है जब तक कि आपके बाल पूरी तरह से निकल नहीं जाते हैं. एंड कुछ दिन लगातार यूज़ करेंगे, उसके बाद आपके बाल हमेशा के लिए चले जाएंगे और वो दोबारा ग्रोथ वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें ऐड करें जो कि नेचुरल हेयर रिटार्डेंट का काम करती हैं, हेयर फॉलिकल्स को वीक कर देती हैं, जिससे उनकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है. जी हाँ, बहुत ही उम्दा रेमेडी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बट शर्त केवल एक ही है कि एक बार लगाने से कुछ नहीं होगा. इसको लगातार आपको कुछ दिन के लिए लगाना होगा, यूज़ करना होगा, एंड नतीजे आपको डेफिनेटली मिलेंगे. और एंशियंट रेमेडी है, वर्क ज़रूर करती है. आपने देखा होगा दादी नानी के पैरों पर, हाथों पर, फेस पर कहाँ बाल होते थे पहले, अभी होने लगे हैं सबके फेस पर बाल. तो पहले की लेडीज़ जो रेमेडीज़ यूज़ करती थी, उन्हीं रेमेडीज़ में से ये एक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्स अप का बटन नीचे है उसे दबा दीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी दबा दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. वेल, इस नेचुरल हेयर रिमूवल रेमेडी के लिए जो फर्स्ट थिंग आपको चाहिए वो है मुलेठी का पाउडर. मुलेठी चूर्ण इसे कहा जाता है. मुलेठी को इंग्लिश में लिकोरिश कहते हैं, और ये किसी भी आपको पंसारी की दुकान पर या फिर केमिस्ट की शॉप पर आसानी से मिल जाएगी. मुलेठी नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं जब उनका गला ख़राब होता है, खांसी होती है, तो एक होम रेमेडी की तरह यूज़ की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं. एक तो मुलेठी में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, और दूसरी ये हेयर रिटार्डेंट का काम करती है, स्लोली एंड स्लोली हेयर ग्रोथ को कम कर देती है और आपके हेयर फॉलिकल्स को वीक कर देती है. जहाँ पर आप मुलेठी लगाते हैं, लगातार लगाते हैं, वहाँ पर बाल आना बंद हो जाते हैं. इसलिए कभी हेयर रेमेडीज़ में मुलेठी का यूज़ नहीं किया जाता, इसको स्किन के लिए, फेस के लिए यूज़ किया जाता है, स्किन को गोरा बनाने में और बालों को रिमूव करने के लिए. तो मुलेठी आपने ले लेनी है आधा चम्मच, एंड उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच गेहूं का आटा. गेहूं का आटा बहुत स्टिकी होता है, स्किन के साथ चिपक जाता है, और जब आप सूखने के बाद उसको उतारते हैं तो बाल भी साथ में उतर जाते हैं. तो 1 चम्मच गेहूं का आटा आपने लेना है, एंड इसमें आपने ऐड करना है आधा चम्मच बेसन. बेसन भी स्टिकी होता है, और बालों को दूर करने के लिए पुराने ज़माने से ही लोग बेसन का यूज़ करते आ रहे हैं, उपटन का यूज़ करते आ रहे हैं. तो आधा चम्मच बेसन आप ले लेंगे. इसमें आप ऐड करेंगे 1 पिंच हल्दी. हल्दी भी नेचुरल हेयर रिटार्डेंट है, बालों को जड़ों से वीक करती है. एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 5 से 10 बूंदें नारियल तेल की. नारियल तेल इसमें इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा मिक्सचर, तो स्किन से उतरेगा नहीं. तो नारियल तेल जो है वो आपकी स्किन पर खिंचाव लाने से बचाएगा. एंड देन थोड़ा सा आपने रोज़ वाटर डाल देना. इतना रोज़ वाटर डालना है कि आपका मिक्सचर जो है वो एक थिक पेस्ट का रूप ले ले. तो इन सभी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से, 5 से 7 मिनट के लिए पड़े रहने देना है, और उसके बाद आपने इसे अपने फेशियल हेयर वाले एरिया पर लगाना है. सपोज़ अपर लिप्स के बाल अगर आप हटाना चाहते हैं तो अपर लिप्स पर इस तरह से फिंगर की हेल्प से आपने एक थिक लेयर लगा लेनी है. एंड यकीन मानिएगा, एक बार में तो कुछ नहीं होगा, ये तो मैं पहले ही बता दूं, लेकिन अगर आप इसे कंटिन्यूसली 15-20 दिन 25 दिन यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके हेयर जो हैं वो ख़त्म ही हो जाएंगे, और बिल्कुल आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी. तो हेयर को परमानेंटली रिमूव करना चाहते हो ताकि वो जड़ों से ही कमज़ोर हो जाए और दोबारा ना आए, तो ये रेमेडी डेफिनेटली आप यूज़ करो. एक तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल है, कोई ख़र्चा नहीं है, सारी चीज़ें घर पर अवेलेबल होती हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि बाल बिल्कुल भी हार्ड नहीं आते हैं, बाल धीरे धीरे गायब ही हो जाते हैं, जड़ों से ही कमज़ोर हो जाते हैं. जहाँ पर इसे लगाएंगे बाल आएंगे ही नहीं. तो इस तरह से फेस पर लगा लेना है, कम से कम आधा घंटे के लिए इसे रखना है क्योंकि इसे सूखने में टाइम लगेगा.
तो आधा घंटे के लिए इसे फेस पर लगा रहने दीजिए। सूखने के बाद उतारना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको ध्यान से देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप नहीं करोगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो उतारना कैसे है वो तरीका देख लीजिए। आपने देखा होगा हमारे बालों का जो डायरेक्शन होता है, ग्रोथ का जो डायरेक्शन होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो आप जब ये सूख जाए पैक, तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से अपने हाथों से, अपने फिंगर्स से आपको मसाज करनी है। जैसे जैसे आप इसे रब करेंगे ना, आपकी ये जो पैक हमने लगाया है, इसके साथ साथ बाल भी उतरने लगेंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का ऐसे स्क्रब करते हुए धीरे धीरे आपने ये मास्क उतार देना है। एंड उतारने के बाद जो है आपने पानी से वॉश कर लेना है और फिर कोई मॉइस्चराइज़र या टोनर आप लगा लीजिए। तो ऐसा आपको डेली करना है, कुछ दिन लगातार करना है। कुछ दिन लगातार करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द हार्डनेस ऑफ योर हेयर, कुछ दिन लगातार करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके फेशियल हेयर या अपर लिप्स के हेयर से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर बहुत लाइट है अपर लिप्स के हेयर तो मतलब हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर बहुत डेंस हैं और बहुत हार्ड हेयर हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस तरह से करके देखिए आप, आपको डेफिनेटली नतीजे ज़रूर मिलेंगे। तो ये था अपर लिप्स के हेयर को हटाने का एक बेहतरीन तरीका, एंशियंट तरीका। यूज़ कीजिए इसको और रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक और बात, मेरे पास आप बाद में कमेंट करोगे, मैं पहले ही बता दूँ, बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि क्या टीनेजर्स इसे यूज़ कर सकते हैं, मैं 8 साल 12 साल की मेरी लड़की है, क्या मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। यस, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, सब चीज़ें नेचुरल हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होएगा। आप बच्चों को भी इस मास्क को यूज़ कर सकते हो, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस। मेल फीमेल बच्चे बड़े सभी इसको यूज़ कर सकते हैं और फेशियल हेयर से छुटकारा पा सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो, तो उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो, लाइक का थम्सअप का बटन नीचे उसे ज़रूर दबाइएगा। एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। सब्सक्राइब का रेड बटन है नीचे, उसे दबाइए, घंटी का बटन आएगा उसे भी आपने दबाना है, उसी से आपको मिलेंगे नोटिफिकेशंस जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलूँगी आपसे एक अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।